तो नमस्कार, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है आपके सामने। और आज की जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज है, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज नंबर 9 है। रीजनिंग की सीरीज है जिसमें MCQ टाइप के टोटल 12 क्वेश्चन है। और आज हम बात करेंगे इस रीजनिंग के MCQ टोटल 12 की डिटेल से। और ये DMRC बेस्ड सीरीज है जो हमारी सीरीज चल रही है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहें। और चलते हैं इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने स्क्रीन पर है और बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए शब्दों के सैदर से शब्द समूह बताइए कि इस शब्द समूह के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो आपको चूज करना है। आपको यहाँ पे दिया गया है लोहा, चांदी, सोना। और यहाँ पे ये तीनों जो है ये धातु है। जिस प्रकार तीनों धातु है उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन B। यहाँ पे हिरण, शेर और भेड़िया ये तीनों ही जंगली जानवर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही जानवर है। वैसे तो देखें तो यहाँ पे ये शेर और भेड़िया दोनों मांसाहारी है और हिरण शाकाहारी है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही जंगल में रहने वाले है। यहाँ पे ऑप्शन A में ये पेड़ और ये शाखा और फल ये दोनों पेड़ का ही हिस्सा है। अभिभावक माता और पिता ये दोनों अभिभावक का ही स्वरूप है। यहाँ पे फसल तो गेहूं और जो दोनों फसल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन B सही बनता है कि हिरण, शेर और भेड़िया और ये तीनों ही जंगल में रहने वाले जानवर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सेकंड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बी और अनुपात 16। हम कह सकते हैं कि बी बराबर 16 तो डी के बराबर यानी इंटरोगेटिव साइन की जगह क्या आएगा कि बी का मान यहाँ पे इसने 16 किया है तो डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देखते हैं कि ये बी और बी का मान 16 है। तो वैसे अगर हम देखेंगे कि ए बराबर 1 नंबर और बी बराबर 2 नंबर, यानी हमारे पास बी है 2 नंबर पे। और अगर हम इस बी को 8 से गुणा करते हैं तब हमारे पास आते हैं 16। बी हमारे पास दो नंबर पे हैं और 2 को इसने 8 से गुणा किया तो आ गया हमारे पास 16। तो अब हम करेंगे कि डी हमारे पास होता है 4 नंबर, क्योंकि डी हमारे पास 4 नंबर का है। और जब हमने 4 को 8 से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 32। अब 32 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो ये मेथड हमारा रोंग है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बी का मान है 2 और यहाँ पे हमने इस 2 को यहाँ पे 2 की कर दी 4। तो 2 की 4, तो ये 2 की पावर 4 होने के वजह से यहाँ पे हमारे पास आ गया 16। तो ये इसी प्रकार से हम करेंगे कि हमारे पास जो डी है और डी है हमारे पास 4 नंबर, डी हमारे पास 4 है तो हमने डी की 4 की तो हमारे पास ये आ गया 256 और हमारा ऑप्शन B सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले इसका संबंध बी का 16 से संबंध है, उसी प्रकार से डी का 256 से संबंध है और हमारा ऑप्शन B 256। और चलते हैं, अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 32 अगर होता और 256 नहीं होता तो आपका ऑप्शन वो भी हो सकता था। तो इस प्रकार से आपको पहले देखना है कि पहले पद का संबंध उसी प्रकार से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आपको यह श्रृंखला पूरी करनी है और इस श्रृंखला में जो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान के जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारी श्रृंखला है कि हम इसको देखते हैं कि इन दोनों के बीच में प्लस पाँच हुआ है, क्योंकि छः में अगर पाँच प्लस किया तो ग्यारह हो गए, और ग्यारह में प्लस पाँच किए तो सोलह हो गए, और सोलह में प्लस पाँच किया तो इक्कीस, और इक्कीस में प्लस पाँच किया तो छब्बीस। अब हमारे पास यहाँ पे छब्बीस, और छब्बीस में हमने प्लस पाँच कर दिए तो ये हमारे पास बन गया इकतीस। छब्बीस में प्लस, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा इकतीस, और हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो गया इकतीस। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने फोर। क्वेश्चन फोर में आपसे पूछा जा रहा है सी ई जी आई में अगला अक्षर क्या होगा, इस श्रृंखला में अगला अक्षर यानी रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि आगे वाली जगह, यहाँ पे सी और सी के बाद आता है डी, डी को छोड़ दिया, डी ई ई के बाद में आता है एफ, इन्होंने एफ छोड़ दिया, जी जी के बाद में आता है एच, इन्होंने एच छोड़ दिया, आई और आई के बाद आता है जे, जे को छोड़ करके इन्होंने क्या लिया है, आगे वाला अक्षर ले लिया के, जे के बाद। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक के एक एक अक्षर छोड़ करके आगे वाला अक्षर, या हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से सी के बाद ई, ई के बाद में जी, जी के बाद में आई और आई के बाद में के, क्योंकि यहाँ पर एक एक अक्षर छोड़ करके जो श्रृंखला ली जा रही है, तो हमारा आंसर हो गया के। और वैसे अगर हम सी में प्लस दो करें तो हमारा आगे आता है ई, और फिर ई में प्लस दो करते हैं तो आता है जी, जी में प्लस दो करते हैं तो आई आता है, और आई में प्लस दो करते हैं तो के आता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी सही है के, और यहाँ पे आ जाएगा के। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन फाइव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फाइव है, और क्वेश्चन फाइव में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो रिक्त श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में रिक्त स्थान पे, तो यहाँ पे पहले हमारे पास है सी सी बी, फिर रिक्त स्थान है आगे सी है, और आगे बी सी सी, और यहाँ पे आगे रिक्त स्थान है ए दे रख है, और आगे सी बी ए दे रख है। तो पहले तो हमारे पास ये जो टोटल श्रृंखला है ये 16 अक्षरों की है, इसमें हमारे पास टोटल अक्षर है 16, और 16 अक्षर को हम चार चार की श्रृंखला में बांट करके डिवाइड कर सकते हैं, कि हमने प्रत्येक को चार चार में डिवाइड कर दिया। तो अब हम पहले तो इसको चार में डिवाइड कर दिया यहाँ पे हमारे पास, और फिर हमारे पास ये हो गए चार, और आगे हमारे पास ये हो गए चार। अब हमें इस श्रृंखला में ये देखना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास सी सी आ रहा है, और लास्ट में बी ए आ रहा है, हमारी इस प्रकार की श्रृंखला बनती नज़र आ रही है, कि हमें लग रहा है कि पहले स्टार्टिंग में सी सी आ रहा है, क्योंकि इसमें भी दो सी है और इसमें भी दो सी है, तो हमें लगता है कि पहले तो दो सी आएगा, इसमें लास्ट में बी ए है और इसमें लास्ट में बी ए है, तो हमें पता चल रहा है कि लास्ट में बी ए आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में जो दिया गया है, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है कि ये तो हमारा पहला, और उसके बाद में ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। अब हमारे पास ये श्रृंखला चार भागों में बंट गई, क्योंकि टोटल 16 है और चार चार में हमने डिवाइड किया है। तो अब हमारे पास पहले में सी सी, और पहले में हम रखते हैं ए, तो ये हमारे पास सी सी बी ए की श्रृंखला में चल रही है। दूसरे में हमारे पास यहाँ ऑप्शन ए को रख करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सी है, तो सी सी और बी ए पहली और दूसरी श्रृंखला दोनों एक जैसी। आगे हमारे पास सी सी है और यहाँ हमें बी रखना है, तो यहाँ हमारे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बी, और आगे हमने यहाँ रख दिया सी। अब हमारे पास ये श्रृंखला ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो हमारी श्रृंखला बन गई, पहले में सी सी बी ए बन गया, दूसरे में सी सी
बी ए बन गया और तीसरे में सी सी बी ए बन गया और चौथे में श्रृंखला में सी सी बी ए बन गया और हमारा आंसर ए सही है। और चलते हैं इसी के साथ में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। और क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखने पर प्रारंभ से 13वें स्थान पर कौन सा लेटर या अक्षर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इंग्लिश को उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब है जेड से शुरू करना, जेड वाई एक्स इस तरीके से आगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ए। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ से शुरू करें कि इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखने पर प्रारंभ से 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ 13वां अक्षर कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो इस प्रकार हमें ज्ञात करने के लिए हमारे सामने जो अक्षर दिया गया है कि उल्टे अक्षर की पोजिशन पता करनी होती है, तो दी गई संख्या को 27 में से माइनस कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उसको हम माइनस कर देते हैं 27 में। तो यहाँ हमें दिया गया है 13, 27 में से हम करेंगे 13 तो ये हमारे पास आ गया 14। और 14वें नंबर पे हमारे पास आता है एन, 14वें नंबर पे हमारे पास आता है एन। तो यहाँ पे जो प्रारंभ से 13वें स्थान पर आ जाएगा एन, क्योंकि जब भी हमें उल्टे क्रम में जो संख्या दी जाती है उसको 27 में से घटा दो और आपका सीधे अक्षर का क्रमांक आ जाएगा कि सीधे अक्षर का क्रमांक कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ गए और 14 तो यहाँ पे हमारा एन होता है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 7। क्वेश्चन 7 में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 का कूट है ओ और 1 का कूट है एस और 7 का कूट है ई, 9 का कूट है एच और 6 का कूट है एल, 0 का कूट है टी, तो उसी कूट भाषा में 92.76 को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 को हम 0 ओ लिखेंगे, 2 को लिख दिया हमने ओ और 1 को हमने लिखा है एस, 1 को एस लिखा है। आगे हमारे पास है 7, 7 को लिखा है ई के कूट भाषा में और आगे 9 को लिखा गया है एच, 9 को एच लिखा गया है। आगे हमारे पास 6 और 6 को लिखा गया है एल और आगे हमारे पास है 0 को लिखा गया है टी। अब हमें इस श्रृंखला में देखना है कि पहले तो 9 को लिखा गया है एच, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एच। उसके बाद में 2 को लिखा गया है ओ, 2 का जो कूट कोड है ये 2 है। उसके बाद में 1 का कूट कोड है एस और 0 को लिखा गया है टी के कोड में और आगे हमारे पास है 7 का कूट कोड लिखा गया है ई, 7 का ई, तो ये ई हो गया। आगे हमारे पास लास्ट में बचा है 6 और 6 का कूट कोड है एल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल, तो ये हमारा बन गया एच ओ एस टी ई एल, हॉस्टल, और हमारा ऑप्शन सही हो गया बी, कि जिस प्रकार से इस कूट भाषा में इनको जो अंकित किया गया है उसी प्रकार 92.76 को हॉस्टल लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी सही है। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 8, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई का यानी चित्र के भाई का पिता
मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, उस महिला का चित्र में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है? तो हम पहले इसको देखते हैं कि हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे मानते हैं कि ये एक चित्र है, ये चित्र है और ये हमारे पास होगी महिला, ये महिला होगी और इस महिला ने इस पुरुष को बताया कि इसका भाई, तो ये हो गया भाई, ये भाई हो गया और उसने कहा है कि इसके भाई का पिता, यानी भाई का यहाँ कह देते हैं ये हो गया पिता, भाई का पिता, और यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि ये दादा है, दादा, और ये हो गया इसका इकलौता पुत्र, एक पुत्र, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका इकलौता पुत्र हो गया। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये इसका दादा हो गया है और दादा का इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र, तो ये महिला का पिता हो गया, ये महिला का पिता हो गया। अब यहाँ पे इसका भी पिता है तो ये महिला का भाई लगेगा, ये महिला का भाई, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि चित्र में भाई का पिता और महिला के, इसके पिता मेरे दादा का इकलौता पितर, यानी मेरे दादा यानी महिला का दादा हो गया और महिला के दादा का एकमात्र पुत्र महिला का पिता हो गया। तो इधर उस भाई का पिता और महिला का पिता एक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई का पिता और चित्र का पिता दोनों का एक ही पिता है, और मेरे दादा का इकलौता पुत्र, यानी मेरे दादा यानी महिला खुद का दादा और दादा का इकलौता पुत्र महिला का पिता। तो यहाँ पे चित्र में वह जो उसमें पुरुष और महिला पूछा गया है, तो इस चित्र में आपसे पूछा जा रहा है कि उस महिला का चित्र में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भाई, अगर यहाँ पे ऑप्शन भाई न होकर बहन होता तो बहन भी हो सकता था कि वह महिला उस पुरुष के बहन लगती है, लेकिन उस महिला और पुरुष का क्या संबंध है, तो यहाँ ऑप्शन भाई दिया तो भाई सही है, अगर ऑप्शन बहन दिया होता तो बहन भी सही होता, दोनों में से एक ऑप्शन सही होता और एक ही ऑप्शन दिया होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 में यदि माइनस का अर्थ भाग हो व प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का हल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो दिया गया है कि इस पूरे समीकरण में जो हमारे साइन है उसको बदलना है, कि पहले जो माइनस है उसको हम भाग के निशान में चेंज करेंगे, फिर हमारे पास प्लस है उस प्लस को हम गुणा के निशान में चेंज करेंगे, जो प्लस का निशान है, फिर हमारे पास आगे है भाग का निशान और भाग के निशान को हम माइनस करेंगे, आगे हमारे पास है गुणा का निशान और गुणा के निशान को हम प्लस करेंगे। इस प्रकार से हम इन संकेतों को जो कि बदलते रहेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से समीकरण हल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम देखते हैं कि समीकरण हमारे पास दिया गया है 18, आगे 3, 2, 8 और 6। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है माइनस, और माइनस के निशान को हम करेंगे भाग का निशान, आगे हमें दिया गया है प्लस का निशान और प्लस के निशान को हम करेंगे गुणा का निशान, पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, आगे हमें दिया गया है गुणा का निशान, जो हमारे पास यहाँ दिया गया है गुणा का, और गुणा के निशान को हम करेंगे प्लस का निशान, और आगे हमारे पास है भाग का निशान उसको हम कर देंगे माइनस का निशान। अब सबसे पहले हमारे पास ये चलता है बी ओ डी एम ए
एस्बोडमस। सबसे पहले बी ओ का मतलब ब्रैकेट ऑफ करना होता है, कोई ब्रैकेट होता है तो उसको हटाना होता है, लेकिन ब्रैकेट हमारे पास है नहीं। फिर हम करेंगे डी फॉर डिवाइड, डिवाइड के बाद करेंगे मल्टीपल, मल्टीपल के बाद करेंगे ऐड और ऐड के बाद करेंगे सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें करना है मल्टीपल यानी भाग, और 18 को हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे सामने आता है 6। भाग के बाद हमें करना होता है गुणा, तो यहाँ पर हमने 2 को गुणा करना है, प्लस 8 करना है और माइनस 6 करना है। तो हम इस प्रोसेस को आगे करते हैं, तो अब आगे हमारे पास ये हो गया 6 × 2, और हमारे पास प्लस में 8 है और माइनस में 6 है। तो हमें सबसे पहले करना होता है भाग, भाग के बाद हमें करना है गुणा, तो हमने 6 को गुणा किया 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 12, और 12 में 8 करना होता है माइनस 6। तो अब हमें करना है कि सबसे पहले भाग, भाग के बाद में गुणा किया, गुणा के बाद हम जोड़ करेंगे तो ये हो गया 20, और अब हम लास्ट में करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास हो गया 20 में से 6 को घटा दिए तो 14, और हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया, और चलते हैं हम इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम पहले इस क्वेश्चन को टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि ये हमारी एक टेबल बन गई है। तो इस टेबल में हमें थोड़ा सा देखना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह दे रखा है, ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो इसमें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया है 15, और यहाँ दिया गया है 48। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का संबंध किस प्रकार से है। तो पहले हमारे पास है 4, और यहाँ पे हमने इस 4 को 3 से गुणा किया और प्लस 3 किया, तो ये हमारे पास आ गया 15। कि पहले हमने 4 को गुणा से किया, 4 थी 12, और 12 में 3 जोड़े तो हमारे पास आ गया 15। फिर यहाँ पे हमने किया 15 को 3 से गुणा और प्लस 3, तो 15 थी 45 और 3 48। तो हमारे पास पहली जो श्रृंखला है वो कि 3 से गुणा करके 3 जोड़ना है और आगे वाला पद प्राप्त हो जाता है। तो हमारा पहला पद प्राप्त हो गया है। अब हमारे पास जो दूसरा पद है, अब दूसरे पद में हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारी इस टेबल में दूसरा पद हमारे सामने है ये वाला, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ 3 को हमने 3 से गुणा करके 3 किया, तो 3 × 9 और 3 हो गए हमारे पास 12, ये आगे हमारे 12। अब हम 12 को 3 से गुणा करके प्लस 3 करते हैं, तो 12 × 36 और 3 हो गए 39, हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसी प्रकार से हम करेंगे अब आगे वाले पद को। आगे वाला जो पद है हमारे पास, जिसमें एक आपको दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह और आपको ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 5 को आपने 3 से किया और प्लस 3 किया, 5 × 15 और 3 × 18। अब हम करेंगे 18 को 3 से करके और प्लस 3 कर देंगे, 18 × 54, 54 और 3 हो गए हमारे पास 57, और हमारा यहाँ पे आ गया जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ गया 57। और हमारा ऑप्शन देखते हैं हम कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन डी दिया गया है, जिसमें आंसर दिया गया है 57, और हमारा सही आंसर आ गया है ऑप्शन डी। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हम बात कर रहे हैं एक पानी की टंकी 30 मिनट में भर जाती है और प्रति मिनट भरे गए पानी की मात्रा पिछले मिनट भरे गए पानी की मात्रा से 2 गुनी होती है। यानी एक मिनट में जितनी भरती है तो आगे वाले मिनट में वह 2 गुनी भरती है।
तो टंकी कितने मिनट में आधी भरी जाएगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टंकी है वो आधी कब भरी जाएगी, क्योंकि जो पहले मिनट में भरी जाती है अगली मिनट में उससे दुगनी हो जाती है और हमें टंकी आधी भरने का समय ज्ञात करना है। तो अब हम कह सकते हैं कि वो टंकी भरी जाएगी 29 मिनट में, क्योंकि पूरी टंकी भरी जाती है 30 मिनट में, पूरी टंकी भरी जाती है 30 मिनट में और आधी टंकी भरी जाएगी 29 मिनट में, क्योंकि अगली मिनट में ये 29 के बाद जैसे ही 30 मिनट होगी तो दुगुनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आधी टंकी भरी जाएगी 29 मिनट में और 29 मिनट के बाद यानी एक मिनट बाद वो दुगुनी हो जाएगी, यानी आधी की दुगुनी पूरी भरी जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह टंकी 29 मिनट में आधी भरी जाएगी, 29 मिनट में आधी भरी जाएगी और अगली एक मिनट में यानी अगली मिनट में वो दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी आधी की दुगुनी हो गई, फुल यानी पूरी भरी जाएगी वो। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है आधी भरने का समय और 29 मिनट में वह टंकी आधी भरी जाएगी। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक घड़ी सोमवार को 2:03 पीछे है, यानी सोमवार को 2:03 पीछे है और बुधवार को 2:05 आगे है, तो इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। क्योंकि जब घड़ी में सोमवार को 2:00 देखा गया तो वो घड़ी 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 2:00 देखा गया तो वो 5 मिनट आगे थी। तो अब हम इसमें ठीक समय कब हुआ होगा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस घड़ी में जो सोमवार 2:00 से बुधवार 2:00 तक और यहाँ पे टोटल हमारे पास हो गए 48 घंटे, सोमवार 2:00 से बुधवार 2:00 तक टोटल हमारे पास हो गए 48 घंटे और 48 घंटे के अंदर समय अंतराल, 48 घंटे में समय अंतराल हो गया हमारे पास 3+5=8, यानी हमारे पास 8 मिनट का अंतर हो गया, क्योंकि 3 मिनट पहले थी और 5 मिनट आगे हो गई तो 48 घंटे में उसका अंतर हो गया 8। अब हम देखेंगे कि वह घड़ी जो 6 घंटे का अंतराल, 6 घंटे का जो अंतराल है वो आता है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 6 घंटे में वह घड़ी 1 मिनट का अंतराल बताती है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें करना है कि राइट टाइम, अगर 3 मिनट वो घड़ी आगे हो जाए तो सही समय दिखाया जा सकता है। तो 6 घंटे में 1 मिनट चलती है तो अब हमें 3 मिनट चलाना है, तो 3 मिनट के लिए क्या होगा 18 हो जाएगा, कि वह घड़ी 18 मिनट आगे होने से सही समय दिखा सकती है, सॉरी 3 मिनट आगे होने से, तो 3 मिनट आगे करने के लिए उस घड़ी को 18 घंटे चलना होगा, क्योंकि 6 घंटे में वो केवल 1 मिनट चलती है और 12 घंटे में वो 2 मिनट आगे चलेगी और 18 घंटे में वो 3 मिनट आगे चलेगी और 3 मिनट आगे चलने से वह सही समय दिखा सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2:00 और 2:00 में हम क्या करें कि हमें जोड़ना है, तो 2:00 में हमें जोड़ना है 18 घंटे और 00 मिनट, तो इसमें हमने ये जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया 20:00 और 20 बजते हैं उस समय 8 बजते है 20। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो घड़ी मंगलवार को 8:00 सही समय ठीक समय दिखाई देगी।
क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट आगे करने के लिए हमें 18 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, और 18 घंटे जब 2 बजे के बाद 18 घंटे जोड़ते हैं तो ये मंगलवार सुबह 8 बजे घड़ी अपना सही समय दिखाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो अपलोड होते रहेंगे।